भी देखा सा साले वो केले चुकी है वेलकम बैक टू माय चैनल। सुबह का टाइम हुआ, उठ गई हूँ, नींद बिल्कुल पूरी नहीं हुई। रात के पता नहीं 1:30 या 2 बजे सोया मैं, फिर मैं उठी 4:30-5 बजे, फिर इसको फीड कराने की कोशिश करी और ऐसे सिर घूम रहा बिल्कुल नींद के चक्कर में ना, पूरा दिन ट्रैवल और ऐसे हो रखा बिल्कुल ही। तो चलिए नहा लेती हूँ फिर नीचे चलते हैं। मेरे दोनों सोने लग रहे, देखो जी। तो मैंने नहा के आ गई हूँ, तैयार नहीं हुई अभी, और मैंने ना एक बढ़िया सा सुंदर सा सूट पहना, इस पर कुछ ऐसा सा वर्क है, आप देख लो। मतलब फुल गर्मियों का सूट है, इस पर मैंने हल्का फुल्का डिज़ाइन करवाया है, ये तो बात चुकी है। पीछे बैक का ये वाला डिज़ाइन करवाया है, काफ़ी अच्छा लग रहा है, और ये पेंट प्लाजो करवाया है। अच्छे सूट, फुल गर्मियाँ का है, कभी कॉटन में। तो ये देख लो भाई, हो गई हूँ फुल तैयार। इसका दुपट्टा ना बहुत सुंदर है, बहुत ज़्यादा सुंदर है। इसको अगर मेरे को टाइम मिला ना तो मैं नीचे ओपन करके जाके दिखाऊंगी। ये देख लो, बहुत ज़्यादा सुंदर दुपट्टा है। और अब चलते हैं नीचे, ऐसा सूट मैंने पहली बार पहना है। इसको शायद जयपुरी बोलेंगे, कौन सा सूट बोलेंगे। ये देखो कुछ ऐसा सा, थोड़ा क्लोजअप दिखा देते हैं। चलो नीचे चल रहे हैं, एमु उठ गया, आ गए हैं नीचे। और इसने देख लो, एमी गिरेगा, इसकी चाची आ गई, इसने खिलाना थी बेटा। बाट देखा सारे, आ जा खेल ले, शीशा तो उड़े भी देखा से। दादा ले तीन चक्कर काट गया थे ना, आ जा, आज गिर जाओगे बेटा नीचे, नीचे गिर जाओगे। सबको मामाम करी क्या करी मामाम, इसको यहाँ के ये वाला बेड मिल जाता ना, ये बहुत ज्यादा पसंद है। यहाँ खड़ा होके खुद को देख के स्माइल करेगा। और जब पिछली बार आए थे ना, कितने दिन पहले हो गए मेरे ख्याल से 10-15 दिन, उस टाइम तो नू लगा लो कुछ भी गर्मी होनी थी। ये भी तो ना आर पार का सिस्टम हो रहा है, रात ने सोए ना जब एसी होने पहला चलाई और पंखा चलाते ही इतनी तेज हवा चले भाई, सिस्टम हैंग होगा कति। और इस करके मनवास थोड़ा सा कॉटन वाला डाल है सूट। तो ना एमू को जो है ना पहले सुसू पोटी करवा दिया, अब इसको थोड़ा बहुत खिला दिया, और अब देखेंगे ब्रेकफास्ट का। एक बार मम्मी नहाने गई है, फिर मम्मी इसको रख लेगी और मैं देखूंगी ब्रेकफास्ट में। मैंने आलू प्याज के पराठे बोला था, बट बड़ी मम्मी बोली कि आलू तो खत्म हो गया, आलू लेने। तो मैंने बोला मंगवा दो, तो शायद पापा लेने गए हैं, तो देखते हैं अगर मंगवा दिए होंगे तो मेरे ख्याल से तो आलू प्याज के, नहीं तो फिर देखते हैं कुछ और बनाएंगे। मैं तो नहीं खाने वाली क्योंकि हम तो डाइटिंग पे है ना, है ना कम होता है ना, पूरी टी शर्ट खिली, उसके चाचे आ लिए, उसके गिल्ला खिला, फिर जाने लग गया थोड़ा थोड़ा। कौन है मो, कौन है ये, देखो कौन है, देखो आजा। तो कर रही थी शेक बनाने की तैयारी, बनाना शेक सबके लिए। और इधर आ गए बड़े पापा, बड़े पापा पैसे दे रहे इसको, हर बार पैसे मिलते इसको याद से। बड़े पापा आते, वो पापा उधर चले गए। ये देख लाल जी, ये देख देखो ये मेरा है, ये रागे इसका, एक को रख देती हूँ फ्रिज में। मतलब मेरी मम्मी बड़े मतलब मेरी सासू माँ को दे दिया है, और
बड़े पापा नहीं लेते और छोटे वाले पापा ने ले ली थी राबड़ी, तो वो इसलिए नहीं ले रहे, तो मैं भी पी लेती हूँ। पापा चाय लेंगे इतनी गर्मी में। बना रखे राकेश बाबू, मैंने सारे बर्तन तुल के रख दिए थे, मुझे लगा बड़े पापा नहीं लेंगे, क्योंकि बड़े पापा को हमेशा मैंने चाय लेते देखा है, पूछ के आए तो बोले ले लेंगे, तो अब बड़े पापा के लिए बना रही हूँ और गर्मी का तो गई गति थोड़ा सा बैठ रहा है, अब ये सिर्फ पापा के लिए बनेगा, बड़े पापा के लिए। तो ये देखो ये बना दिया बड़े पापा के लिए, देने जा रहे हो अभी तो बस यही चल रहा है सुबह से। अभी ना सिर्फ मैं ले रही हूँ ये आलू प्याज के पराठे बनेंगे, आलू बॉईल करने के लिए, उनके तो प्याज कटने लग रहे हैं। एम ए सुला दिया है, ईब जाकर मैं फ्री हुई हूँ एक डेढ़ घंटा ये सोएगा, जहाँ तक है ना अभी सोए उठ भी जाए कोई भरोसा नहीं होता, कई बार आधे घंटे में भी उठ जाता है। ये भी नहा के आ चुकी है, अब बनाऊँगी मैं खाना, आपके चक्कर में बूढ़िया बाहर बैठी है। दिस इज नॉट गुड जेठ जी, दिस इज नॉट गुड, आप बाहर जाइए बूढ़िया अंदर आएगी, ठीक है। हाँ नानी ने सुना पूरा मिक्सर तैयार कर दिया, आटा ऐसे करके रख दिया, इसमें थोड़ा घी लगा दोबारा करूंगी, मेरे सेकने सेकने रह गए आलू प्याज के पराठे के नाम पर आपका बेटा डाइटिंग तोड़े होगा, मैं आलू प्याज के पराठे खाऊंगा, मैं कौन तोड़ू, मैं तो अपना चिल्ला ही खाऊंगी। तो भाई यहाँ बन रहे बढ़िया गर्मा गर्म से पराठे और साथ में चल रहा है इनका फ्रूट सैलेड, आलू प्याज के पराठे और घी चलेगा। तो भाई बढ़िया से पराठे खा लिए, डाइटिंग वगैरह सब तोड़ दिए, यहाँ आते ना अपने आप टूट जाती है। तो चलो मिलते हैं आपको नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए ओके टाटा बाय बाय। और नेक्स्ट व्लॉग बड़ा ही धमाकेदार आने वाला है, क्योंकि हम जाने वाले हैं कहीं बाहर, अभी सारे कौन कौन जाएगा अभी देखते हैं, तो बड़ा ही चैलेंजिंग व्लॉग होने वाला है, तो सारे जाके चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, दोनों चैनल पर आ सकता मेरे बड़े चरा पे भी साउंड पे भी, तो दोनों पे जाके चेकआउट करते रहना, लगातार व्लॉग आएंगे उसके ऊपर, ठीक है।